Hello everyone, this is Sukhmeet from ITRC organization. So again, we have started with the online classes before starting the online classes. I would like to give a brief brief awareness about the covid 19 covid 19. It is very a tough time. We are going through so the awareness is very much important for every one of us. Either it is a teacher or a students or all the uh, other faculty members of the organization. Uh, तो ये अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत ही एक डेडली डिज़ीज डिज़ीज़ से जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं सो आई होप यू लॉ लाइक दिस वीडियो और इसमें इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन uh, जो है वो मिल सकती है थैंक यू कोविड नाइनटीन कैन कॉज वेरी सीरियस एंड डेडली डिज़ीज़ इट इज़ नॉट अ स्मॉल डिजीज़ वी आर गोइंग थ्रू तो इसके कुछ कॉमन uh, सिम्टम्स जो हैं वो यही हैं हमने अपने आप को जो है वो इससे बचाना है तो इसके कॉमन सिम्टम्स यही हैं कि सबसे पहला है अगर आपको फीवर जो है वो थर्टी एट एंड अबव है अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा लथार्जिक या लेज़ी फील कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपने आप को जो है वो चेक करवाएँ एक बार या अगर आपको ड्राई कफ या स्नीजिंग हो रही है तब भी आप अपने आप आपको जो है वो चेक करवाएं क्योंकि हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो इसीलिए आपको वो कोविड नाइन्टीन शो ना कर रहा हो या पॉजिटिव शो ना कर रहा हो बट आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो लो हो तो आप अगर वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो उस लो इम्यून सिस्टम की वजह से जो है वो उसको इफ़ेक्ट कर सकता है कोविड नाइन्टीन और अगर वो अपना चेकअप करवाएगा तो उसको पॉजिटिव आ सकता है तो इट इज़ मेनली अबाउट द इम्यून सिस्टम अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो आप तब भी अपने आप को जो है वो अपने आइसोलेट रखें अपने अदर फैमिलीज अदर फैमिली मेम्बर्स से अगर आप इन सब, सब सिम्टम्स से गो थ्रू कर रहे हैं तब भी ठीक है फिर उसके बाद यह है कि अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में तब भी आप अपने आप को जो है वो आइसोलेट रखें और चेकअप करवाएं अच्छे से तो हम कैसे रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं कि हमें हमेशा अपने हाथ जो है वो सोप से धो के रखने हैं सोप और वाटर से अच्छे से हर टाइम अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं और बाहर से वापस घर आ रहे हैं तब आप ये मेक श्योर sure करें कि आप अपने हाथ जो है वो सोप से अच्छे से वॉश करें तभी आप किसी चीज़ को जो है वो टच करें ठीक है उसके बाद यही है कि कवर करना है हमें अव... अपना नोज़ अपना माउथ जो है वो टिश्यू से या मोस्टली आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो यही है कि हम मास्क यूज़ करते हैं तो आप अपना मास्क जो है वो अगर आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो आप अपना मास्क जो है वो हमेशा ऑन रखें उसको उसको कवर करके रखें ज़रूरी नहीं है कि आपने मास्क पहना और आपने मास्क नीचे या ऊपर किया हुआ है जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं है अगर आप अपना मास्क अपने नोज़ या माउथ कवर करेंगे तभी उस चीज़ का फ़ायदा है अगर आप उस चीज़ को कवर करें ही नहीं और ऐसे ही कानों में लटका के रखेंगे तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है उसके बाद आप सिर्फ अपने अपने कपड़ों से या अपने हैंकर चीफ या ऐसी चीज़ों से आ, आ, अपनी स्नीजिंग वगैरह जो है वो यूज करें या टिश्यू यूज करें जिसको आप बाद में डिस्ट्रॉय कर सकें और वो किसी चीज के कांटेक्ट में ना आए ठीक है उसके बाद अवॉयड टचिंग योर आइज़ नोज़ एंड माउथ यूज़ मास्क जो हमने अभी बात की थी वन एवर यू गो आउट और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है कि आ, हम बात करते हैं एक गज़ की दूरी एक गज़ की दूरी तो वन मीटर डिस्टेंस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर आप ये डिस्टेंस मेनटेन करके रखते हैं तो अगर Uh, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है भी है आपके नियर बाय तो उससे आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो आपको वन मीटर डिस्टेंस रखना हर एक गैदरिंग uh, में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर केयरिंग फॉर सिक पीपल अगर आप अपने अगर आपके घर पर कोई कोविड नाइन्टीन का पेशेंट है या आप किसी वर्क प्लेस में हो जहाँ पर कोविड नाइन्टीन का पेशेंट है तो आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं जिसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इस डिज़ीज़ से आप अपना खाना जो है वो हमेशा बॉइल्ड पानी में बनाएं या अपना खाना जो है या आप अपने जो भी सब वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं उसको पहले अच्छे से गर्म पानी से वॉश करें क्योंकि गर्म पानी से ऐसा होता है कि सारे वायरसेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपको किसी भी किसी रूमर्स या मिसकंसेप्शंस या रॉन्ग इंफॉर्मेशन में नहीं आना है कि कोविड नाइन्टीन अगर कोविड नाइन्टीन है भी है तो उस बंदे को आपने निगलेक्ट नहीं करना है कि वो कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव पेशेंट है तो अब हम उसको बुलाएंगे ही नहीं यू हैव टू बी अ सपोर्टिव नेचर टू हिम और हर क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली डिज़ीज़ भी है क्योंकि अगर आप उसको साइकोलॉजिकली या ऐसे फिज़िकली निगलेक्ट करेंगे तो हो सकता है उसका मोराल जो है वो डाउन हो जाए और वो चीज़ उसके डिज़ीज़ पे जो है वो उसकी रिकवरी में हेल्प ना करें तो अगर आप किसी कोविड नाइन्टीन पेशेंट से मिलते भी हैं तो आप उसको हमेशा एक मोराल सपोर्ट दीजिए कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे आप जल्दी रिकवर कर लेंगे इस डिज़ीज़ से आपको किसी भी मिसकनसैप्शन की आप किसी कोविड नाइन्टीन के पेशेंट से मिलते हैं तो आपको भी डिजीज़ आपको भी ऐसा हो जाएगा या आप भी मर जाओगे या ऐसा कुछ नहीं है अगर आप किसी से भी मिलते हो तो आपको जो है वो उसको एक मोरल सपोर्ट देना है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और अपने हैंड वॉश करने हैं जब भी आप किसी कोविड नाइन्टीन पेशेंट से मिलते हैं या फिर आप अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद तब भी या फिर बिफोर ईटिंग आपको अपने हाथ जो है वो वॉश करने हैं आफ्टर यूजिंग टॉयलेट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स इफ़ यू सी दैट योर हैंड्स आर डर्टी यू हैव टू वॉश योर हैंड्स इफ़ यू आर कैटलिंग तो तब भी आपको अपने वॉश योर हैंड्स करने हैं इफ़ यू गेट सिक्स गॉड फॉर बिट अगर आपको कोविड नाइन्टीन हो भी जाता है इफ़ यू फील लाइक यू हैव सम पॉजिटिव सिम्टम्स तो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर और लॉट ऑफ फ्लूड और आपको अपने आप को आइसोलेट रखना है आपको रेस्ट करनी है आपको अपना माइंड स्ट्रांग रखना है आपको अपना मोराल डाउन नहीं करना है आप कुछ एमरजेंसी फ़ोन uh, पे फ़ोन कर सकते हैं इफ़ यू फील दैट यू नीड एमरजेंस ऑक्सीजन या हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो आप कुछ एमरजेंसी नंबर्स पे जो है वो इफ़ फ़ोन कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं अपने uh, हाथ वगैरह धो के तो क्योंकि उस टाइम पे बच्चे का मदर फीडिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सो दैट्स ऑल स्टे